हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेगा जो कि HVSC बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ जी, 12वीं का परिणाम लेट है तो 10वीं का प्रमाण पत्र स्कैन कर फिर से भेजें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी नियमित कंपार्टमेंट स्वपाठी परीक्षा अप्रैल माह के परिणाम 26 जुलाई को घोषित करे जा चुके हैं। 2696 परीक्षार्थियों का परिणाम विद्यालयों से प्राप्त 10वीं के अंक स्पष्ट न होने के कारण RLD या RALE दर्शाए गए हैं। प्रोफेसर अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि कुछ विद्यालयों द्वारा सीनियर सेकेंडरी परीक्षार्थियों के 10वीं परीक्षा के ऑनलाइन अंक अस्पष्ट शिक्षा बोर्ड को भेजे गए थे। ऐसे सभी विद्यार्थियों की सूची बोर्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। जिन बच्चों का परिणाम RALD तथा RALE दिखाया गया है, वे 10वीं के मूल प्रमाण पत्र को नए सिरे से स्पष्ट रूप से स्कैन करते हुए सीनियर सेकेंडरी शाखा की ईमेल पर शीघ्र अपलोड कर भेजना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो फिर से अपलोड किया जा सके। इसका अपडेट हमने सुबह वीडियो में दे दिया था, फिर भी ये एक ऑफिशियल नोट की तरह आपको दिखाना ज़रूरी था, जो कि आपको ट्रस्ट हो जाए। ठीक है, तो जिनका भी रिज़ल्ट रुका हुआ है उनको क्या करना है कि अपना जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कैन करके अपलोड कर देनी है, जिससे आपका रिज़ल्ट जो है विजुअल हो जाएगा और आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना होगा तो वो ले सकते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करना होगा तो उससे आपका फॉर्म भी फिल हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को फॉलो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो जब भी अपलोड हो आपके नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो देख सकें। हरियाणा से संबंधित कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड से संबंधित जो भी वीडियोज़ रहेंगी उनकी सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।